बदनीयती से उसने मुझे अपनी बाहों में भरकर बेड पर गिरा दिया, कपड़ों को फाड़ डाला। चीख ना सके, चिल्ला ना सके, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूस दिया। ऐसा ही हुआ। एक लड़की जो कि बहू थी, उसके साथ उसके ससुर ने कुछ ऐसा ही किया। पर हैरान कर देने वाली बात यह नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि शौहर ने बाद में कहा कि शरीयत के हिसाब से तुम अब से मेरी अम्मी हो। क्या है पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। नमस्कार जी, मुझे कहते हैं नामिका और आप इस वक्त देख रहे हैं वीके न्यूज। ये मामला है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहां एक परिवार है, उसमें बहू, ससुर, बेटे, सास, ये सारे रिश्ते मौजूद हैं, पर दरिंदगी के साथ। शौहर भी कुछ खास नहीं, वो भी कम दरिंदा नहीं। ये सारी बातें तब सामने आई जब पीड़िता ने अपने मुंह से ये बातें कही। दरअसल पीड़िता ने बताया कि 5 जुलाई 2023 को जब उसका शौहर अपनी अम्मी को हकीम के पास लेकर गया था दवाई लेने, घर पर कोई नहीं था, उसका ससुर जबरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। घुसने के बाद उसके साथ वो सब किया जो कि नहीं करना चाहिए था, यानी कि उसका बलात्कार किया। और बात और बर्बरता यही नहीं थमती, इतनी बेरहमी के बाद पीड़िता को मारा भी, ताकि वो किसी और को कुछ बताए ना। पर बीवी ने अपने शौहर को अपना खास समझ के सारी की सारी बात बता डाली। पर शौहर की बातें सुनकर आप जरूर से चौंक जाएंगे। शौहर ने कहा कि अब्बू ने अब तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना लिया है, तो शरीयत के हिसाब से तुम मेरी अम्मी हो, अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मेरी बीवी नहीं हो। ये सब बातें गढ़ी गढ़ाई नहीं है, ये सच है, वो सच जिस पे मुझे, आपको और हम सबको विश्वास करना जरूरी है। ये चीजें आज भी हो रही हैं, शरीयत के नाम पे बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं। शरिया कानून को मानने के चक्कर में न जाने कैसे रिश्ते बदल रहे हैं। एक लड़की अपने शौहर से जब सारी बातें कहती है, उसका साथ नहीं दिया, तो शौहर ने भी उसे घर से मार पीट कर बेरहमी से बाहर निकाल दिया। पर लड़की ने 7 सितंबर 2023 को थोड़ी हिम्मत अपने अंदर जुटाई और ये सारा मामला पुलिस को कह दिया। अपने ससुर और अपने शौहर के खिलाफ FIR करी। धारा 506, 376 और 323 के तहत अब मामले की कार्यवाही चल रही है। फिलहाल के लिए आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।